नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज आपके लिए सामान्य ज्ञान यानी कि GS का वीडियो आ चुका है। ये पार्ट वन है और घटना चक्र का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि SSC रेलवे, NTPC बैंक, पुलिस, ITI के एग्ज़ाम में पूछने वाले, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। इसका पार्ट वन आ चुका है यहाँ पर। और यदि हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो पाने के लिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। क्वेश्चन संख्या पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, तो ये बताना है आपको। 51 के क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन। सबको पता है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो किस रूप में होती है, ये बताना है। वो होता है नाभिकीय संलयन के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न, 53 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। इसे कहा जाता है विद्युत जनित्र, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जनित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको आप डायनेमो भी कह सकते हैं, क्योंकि डायनेमो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि डायनेमो। और इसका उल्टा आपका हो जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत मोटर कहा जाता है। तो चलिए दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या है 54, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, ये बताना है। तो वो होता है आपका आभासी और सीधा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न, 55वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, लेक लॉन्ची सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, जो लेकलांची सेल होता है उसमें विध्रुवक के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब क्या प्रयुक्त होता है, ये मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीस डाइऑक्साइड, MnO2। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, छप्पन नंबर प्रश्न, क्वेश्चन है कि एक समान वेग से गतिशील ट्रेन एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है, मतलब एक समान वेग से कोई गतिशील ट्रेन है वो चल रही है एक दिशा में और एक यात्री जो है एक गेंद को ऊपर की ओर उछालता है, तो गेंद वापस आएगी, मतलब गेंद कहाँ पहुँचेगी, यात्री के हाथ में, यात्री के बगल साइड में, यात्री के आगे ट्रेन की गति की दिशा में, और डी ऑप्शन में है यात्री के पीछे ट्रेन की गति के विपरीत, आपको बताना है का इसका आंसर क्या होगा। तो यात्री के हाथ में आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संतावनवा प्रश्न, एक यौगिक का अनुसूत्र C4H8O2 है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, वो बताना है। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो होगा C2H4O, और इसी का है यहाँ पे अनुसूत्र C4H8 और O2। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 58, 6.022 × 10³ मतलब 223 अणुओं का परमाणुओं या आयनों का समूह को क्या कहते हैं। मतलब आपको बताना है कि इस जो 6.022 × 10³ पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि अणु जो होते हैं, उसे क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो यो इसे एक मोल कहा जाता है, यानी कि मोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोल। चलिए अगला प्रश्न। एक मोल NaCl के बराबर होता है, बताना है कि एक मोल NaCl किसके बराबर होता है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये किसके बराबर होता है। तो ये होता है 58.5 ग्राम NaCl, यानी कि सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 60वां प्रश्न। 58.5 ग्राम NaCl के बराबर होता है। तो यहाँ पे अभी जस्ट तुरंत था ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है इस बार, 1 ग्राम मोल, है ना। 1 ग्राम मोल में कितना होता है? 5.8 यानी कि 58.5 ग्राम NaCl के बराबर होता है। अगला प्रश्न, 61वां प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई दे सकता है? चार ऑप्शंस में समझना है। तो यहाँ पे जो पास की वस्तु है, वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष किसे कहा जाता है? जो कि पास की वस्तु, मतलब उसमें क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उन्हें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु यानी जो नज़दीक की वस्तु होती है वो साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कितना होता है, किस में होता है? तो ये निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को बोलते हैं 300,000 किलोमीटर। जल में जो होता है वो होता है 225,000 किलोमीटर, और वायु में जो होता है वो भी होता है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में होता है 200,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर सारे मैंने ऑप्शन डिस्कस किया, तो आपका वेग में जो सबसे अधिक, सॉरी वेग जो होता है प्रकाश में, जो आपका वेग होगा सबसे अधिक वो निर्वात में होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर की ओर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 63वां प्रश्न को ध्यान दीजिए। अस्थिर जल में पत्थर में गिरने पर उत्पन्न तरंगे, अस्थिर जल में जो होता है पत्थर जब गिर जाता है अस्थिर जल में, तो उसमें से कौन सा तरंग उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। तो इसमें जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि अनुप्रस्थ प्रगामी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे क्या होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है प्रत्यास्थ तरंग होता है, यानी कि 64 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यास्थ तरंग वो होती है आपका ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न, 65वां प्रश्न, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध होगा, यानी कि कोई पदार्थ मान लिया जाए कि जो चांदी होता है, जो लोहा होता है, जो एल्युमिनियम होता है, सब का क्या होता है, अलग अलग पदार्थ का जो तार होती है तो सब का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो यहाँ पर निर्भर किस पर करता है? तार के पदार्थ पर, मतलब तार का पदार्थ किस मटेरियल का बना हुआ है इस पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न, 66वां प्रश्न है। एक ट्रांसफार्मर का कार्य करता है, मतलब एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है क्या, कौन सा काम करता है ये बताना है। तो यहाँ पे जो वोल्टता को बदलने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, स्टेप इसके दो प्रकार होते हैं, है ना। चलिए ट्रांसफार्मर के बारे में क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। 67वां प्रश्न, कहा जाता है क्या, निम्न में से
कौन स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे सस्ती होती है, मतलब कौन सी ऐसी निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्रोत है जो कि बिजली सबसे सस्ता उत्पादन करती है ना, जहाँ से प्राप्त हो जाती है, ये बताना है सबसे सस्ता। इस टाइप से चारों ऑप्शन को ट्रीट कीजिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कितने सही हो रहे हैं आपके। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है सबसे सस्ता बिजली देता है पवन से, यानी कि वायु से। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझिए, बहुत आसान शानदार क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो अभी सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू 10^23 पार्टिकल्स जो होते हैं एवोगाड्रो संख्या भी इसे कहा जाता है। इसी वीडियोस में आपको बता रहा था कि एक मोल का बराबर होता है, इसी को क्या कहते हैं एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10^23। अगला प्रश्न 69वां प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड के एक मोल में क्या होती है, इनमें से ऑप्शन में से बताना है आपको। यहाँ पे जो होगा इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड के एक मोल में जो होते हैं 6×10^2, थोड़ा सा जूम को थोड़ा सा नीचे करते हैं, हाँ यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड के 6.022×10^23 अणु जो होते हैं वो होते हैं आपके एक सल्फर के एक मोल में होते हैं, तो एक मोल में तो जितना होता ही है आपको पता ही, जस्ट मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है 70वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत लोग गलत कर देते हैं, चलिए ध्यान से समझिए। 70वां प्रश्न, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 98 AMU है, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है, तो H2SO4 के एक अणु के द्रव्यमान 1 ग्राम में कितना होगा, ये बताना है आपको। तो ये होगा 162.17×10^24 होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान का इकाई है, परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या है, तो यहाँ जो AMU है एटॉमिक मास यूनिट है ना, ये है आपका परमाणु द्रव्यमान का इकाई है, यानी कि यूनिट है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए, खाद बीजों को स्टोर करने के लिए मतलब इकट्ठा करने के लिए नमी कितना चाहिए, कितना परसेंटेज नमी की ज़रूरत होती है, तो वो 14% से कम की ज़रूरत होती है। चलिए अगला प्रश्न, साधारण ताप दाब यानी कि NTP पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक मोल में जो किसी भी NTP पर जो होता है वो होता है 22.4 लीटर होता है, एक मोल में 22.4 लीटर है, तो यहाँ पे है कितना 44.8, यानी कि आप इसको ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे इसका दुगना है ना, देखिए 22 को दुगना करेंगे तो 44 और 4 का दुगना यानी कि 8, यानी कि 44.8, तो ये एक मोल में जब इतना है तो ये इसमें कितना मोल होगा, ये 2 मोल होगा, तो पक्का यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 73 का बी ए यानी कि 2 मोल। अगला प्रश्न 74वां प्रश्न, ध्यान से समझिए, ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ताप का सबसे अच्छा चालक जो है वो है चांदी,
है ना, ताप का और विद्युत का दोनों का सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक चांदी ही है, यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? तो सर्वाधिक विलायक पानी को कहते हैं, यानी कि पानी में कोई भी पदार्थ बहुत अच्छे से घुल जाता है, इसलिए इन्हें पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।